स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं वो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बना रहे हैं वीडियोस छत्तीसगढ़ पार्ट का, जिसमें हमने पार्ट वन पार्ट टू में यूनिट वन एंड यूनिट टू के वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये यूनिट थ्री का वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं, वन लाइनर्स सीरीज हम लेकर आए हैं। तो वन लाइनर्स में दो वीडियो हमारे बन चुके हैं जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इनमें से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं, तो ध्यान से देखिए। एक एक वन लाइनर से बहुत से ऑब्जेक्टिव बाहर निकल के आते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। और जिनकी तैयारी है उनके रिवीजन की तरह है, जिनकी तैयारी नहीं है वो भी इसे याद रख सकते हैं और इसके बेस पर उनके बहुत सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज का यूनिट थ्री हमारा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत। ये मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपको बस समझ में आ जाएगी, ऐसी रहेगी। साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, एवं संस्कृति, ठीक है। तो ये आपके यूनिट थ्री में है, आप सिलेबस देखेंगे अगर CGPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें सिलेबस को 8 टॉपिक की तरह बांटा हुआ है, जिसको हमने यूनिट का नाम दे दिया है और यूनिट वाइज उसको हम उसके वन लाइनर्स आंसर बना रहे हैं, जिसमें आज हम यूनिट थ्री को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे साहित्य के, संगीत के, नृत्य, कला एंड संस्कृति से संबंधित। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे पहला जो वन लाइनर वो है छायावादी काव्य के जनक पंडित मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, छायावादी काव्य के जनक किन्हें माना जाता है ये पूछेगा, तो आपका आंसर होगा पंडित मुकुटधर पांडे। जिनको याद करने का एक ट्रिक भी बता दूं इनके नाम को मैं, जहाँ जहाँ ट्रिक पॉसिबल होंगे वहाँ मैं आपको ट्रिक भी बताते जाऊँगा। सपोज कि इनके मुकुट का छाया बन रहा है जिन पर, ठीक है, जिन्होंने मुकुट पहना हुआ है और उन पर क्या बन रहा है, छाया बन रहा है। तो मुकुट का छाया, छायावादी कवि मुकुटधर पांडे, इस तरीके से याद रखिए। देन सेकेंड नंबर है छत्तीसगढ़ का नीलकंठ गजानन मानव मुक्ति बोध को कहा जाता है। नीलकंठ की बात आ रही तो गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है, तो इससे भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं। एक आप ऐसे बना सकते हैं कि हाथी है, गजानन महाराज हैं, जिनका कंठ कौन से कलर का है, नीले कलर का है, तो नीलकंठ गजानन माधव मुक्ति बोध। देन जो थर्ड नंबर है छत्तीसगढ़ व्याकरण का पाणिनी हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ व्याकरण का पाणिनी, तो पाणिनी हीरालाल काव्योपाध्याय, तो इनके लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं, पानी में हीरा गिर गया है, पाणिनी को पानी की तरह आप पढ़ सकते हैं और इस तरीके देख सकते हैं कि पानी में एक गिलास पानी है और इस गिलास में एक डायमंड, एक हीरा गिर गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनी हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है पानी एंड हीरा। देन जो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ काव्य का भारतेंदु सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। तो भारतेंदु किसे कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। सुंदरलाल शर्मा जी जो थे स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत अमूल्य योगदान था, जिन्हें छत्तीसगढ़ का महात्मा गांधी भी कहा जाता है अभी भी, ठीक है।
और इन्हीं 1920 में इन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी जी को छत्तीसगढ़ बुलाया गया था, इन्होंने बुलाया था। तो सुंदरलाल शर्मा जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इन्होंने इसलिए और ये लिखते भी थे और इनके काव्य जो भारतेंदु था इनको सॉरी इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़ काव्य का भारतेंदु भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी थी, ठीक है, जब ये जेल में थे उस समय उन्होंने भी रचनाएं लिखी। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, भारत के सुपुत्र सुंदरलाल शर्मा, तो भारतेंदु सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद राज्य के जन कवि माने जाने वाले कोदू राम दलित, जन कवि थे कोदू राम दलित, इनको आपको याद रखना होगा, जन कवि, जन लोगों के कवि, कोदू राम दलित। फिर धनी धर्मदास को छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम कवि, छत्तीसगढ़ भाषा में कविताएं लिखी थी, तो ये है धर्मदास, धनी धर्मदास। तो इनको आप याद रख सकते हैं, अपना धर्म निभाते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा में कविता लिखे धर्मदास जी, और बहुत धनी भी हुए थे, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ के पंडित रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहते हैं, छत्तीसगढ़ के पंडित रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर। तो विद्यासागर जिसे कहते हैं रामदयाल तिवारी, तो आप केवल राम को याद रखिए, राम भगवान विद्या के सागर थे, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, इससे आपको एक की मिल जाएगा, विद्यासागर, जैसे ही विद्या शब्द लिखेगा आपको राम भगवान याद आ जाएंगे और रामदयाल तिवारी जी आपके आंसर हो जाएंगे। तो पंडित मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें भारत शासन ने 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, ये वही मुकुटधर पांडे जिन्हें छायावादी कवि माना गया। देखिए पहला था आपका छायावादी काव्य के जनक, और इन्हीं को आगे चल के क्या मिला था, 1976 में पद्मश्री मिला था। तो आप ये दोनों को याद रख लीजिए, छायावादी कवि मुकुटधर पांडे जी को 1976 में क्या मिल चुका था, क्या मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम साहित्यिक संस्था कवि समाज की स्थापना राजीव नगर में हुई थी। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम साहित्यिक संस्था, ये संस्था थी कवि समाज, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, राजीव नगर में हुई थी। राजीव से बिलोंग करते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक। तो कवि समाज की स्थापना कहाँ पे हुई, राजीव नगर में हुई थी, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी। तो श्याम कृष्ण भगवान का नाम है, तो श्याम कृष्ण भगवान से याद रखिए आप, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाने की अधिसूचना जुलाई 2013 से की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं कि पहला तो कब छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नवंबर, और इसकी अधिसूचना कौन से तारीख को लाई गई थी ऐसा पूछ देगा, तो जुलाई 2013 रहेगा, ठीक है, जुलाई 2013। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देवे संदेश के गीतकार हनुमंत नायडू हैं, कहीं देवे संदेश के जो गीतकार हैं हनुमंत नायडू हैं। अब इनको याद कैसे रखें, तो संदेश कौन दे रहे हैं, हनुमंत नायडू, जो सीता माता को रावण उठा के ले गए थे, तो उसने भी राम भगवान का संदेश लेकर कौन गए थे, हनुमान भगवान गए थे समुद्र को लांघ कर। तो इसी तरीके से आप याद रख लीजिए, कई देवे संदेश जो संदेश भेजे हैं हनुमान जी के हाथों राम भगवान, तो हनुमंत नायडू, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी हिंदी ग्रंथ अकादमी, छत्तीसगढ़ी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई है, जनवरी 2006 में हुई थी, और इसके प्रथम निदेशक रमेश नैयर जी थे, जी हैं। तो रमेश नैयर जी का नाम आप याद रखेंगे, ये पहले डायरेक्टर थे, निर्देशक थे हिंदी ग्रंथ अकादमी
हिंदी ग्रंथ अकादमी और उसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2006 में। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत हुआ है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अत्यंत लोकप्रिय गीत सुआ गीत, सुआ गीत जो बेसिकली दिवाली के समय गाया जाता है, जो कन्याएं होती हैं, केवल महिलाएं कन्याएं ही इस गीत को गाती हैं। और ये टोकरी में तोते को रखते हैं, दो तोते को, जिसको शिव पार्वती का रूप मानते हुए उसके चारों ओर वो गाते हुए सुआ गीत को गाते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। फिर छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कौन से गीत को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ददरिया गीत। फिर छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायक गायन संबल सिंह चौहान, जो रतनपुर के थे, के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है, छत्तीसगढ़ी में जो पंडवानी गायन है, और किसके द्वारा रचित था ये? संबल सिंह चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, संबल सिंह चौहान, याद रखेंगे। तो मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत रेलो गीत है। ठीक है, रेलो है शायद ये, रेलो गीत है, प्रसिद्ध गीत लोकगीत रेलो, मुरिया जनजाति है। किसका ये? मुरिया जनजाति। भोजली गीत में तांत का बना एक वाद्य बनाकर नारियों द्वारा गीत गाया जाता है। भोजली गीत होता है जिसमें तांत का वाद्य बनाते हैं और नारियां क्या करती हैं, इस गीत को गाती हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना 2008 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी बिलासपुर से थे और द्वितीय अध्यक्ष दानेश्वर शर्मा दुर्ग से। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये लाइन रिपीट हो गया, बट इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि यहाँ पे द्वितीय अध्यक्ष की बात की गई है, इसीलिए है ना। तो ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी ऊपर भी आप पढ़े थे, 2008 में भी थी, द्वितीय इसके अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा जी। ठीक, और कई बार क्या पूछ देता है कि द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है दानेश्वर। फिर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ रियासत संगीत क्षेत्र में रायगढ़ घराने के नाम से ख्यातिबद्ध है। रायगढ़ रियासत जो संगीत क्षेत्र है, रायगढ़ घराने के नाम से, क्या नाम से प्रसिद्ध है? रायगढ़ घराने से। ठीक है, यहाँ के राजा चक्रधर थे, कत्थक में बहुत ही ज़्यादा वो माहिर थे कत्थक नृत्य करने में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। सन 1939 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कौन सी ईयर में हुआ था? 1939 में। क्या हुआ था? अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में राजा चक्रधर, देखिए इसकी बात मैं ऊपर कर रहा था राजा चक्रधर सिंह के बारे में, तो राजा चक्रधर सिंह के तबला वादन पर उन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि से भूषित किया गया था। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले राजा महाराजाओं में वो एकमात्र नरेश थे। बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है ये, इनका नाम याद रखिए, राजा चक्रधर सिंह। ये रायगढ़ से बिलोंग करते थे, कत्थक करने में भी माहिर थे, तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे, और इसीलिए दिल्ली में जो अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुआ था पूरे भारत लेवल का, वहाँ पे ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको क्या उपाधि दी गई? संगीत सम्राट की उपाधि दी गई। और ये एक लौते राजा महाराजा में से एक लौते थे जिन्होंने क्या किया था, ये उपाधि हासिल की थी। तो बहुत गौरव वाली बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। फिर गौर नृत्य माड़िया, गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा वर्षा काल की अच्छी फसल सुख और संपन्नता को केंद्र में रखकर किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि गौर नृत्य कौन सी जाति करती है, तो आंसर होगा माड़िया जनजाति। और ये पूछ सकता है कि गौर नृत्य किस लिए किया जाता है, तो आंसर होगा वर्षा काल की अच्छी फसल के लिए और सुख संपन्नता को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो वर्षा काल में अच्छी फसल के लिए कौन सा गीत किया जाता है, ऐसा पूछ देगा, तो आंसर होगा गौर नृत्य। तो एक ही वन लाइनर से आपके तीन चार क्वेश्चन निकल जाते हैं। फिर अबुझ माड़ियों के करसाड़, इसको ककसार नृत्य भी कहते हैं, काकसार नृत्य, काकसाड़ भी कहते हैं, करसार काकसाड़। देखिए का में आखी मात्रा लग गई तो ककसार हो गया, लेकिन एक ककसार नृत्य भी होता है, तो ककसार नृत्य अबुझ माड़िया नहीं करते हैं, कुमाड़िया करते हैं ना। तो ककसार नृत्य को जात्रा नृत्य भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यात्रा नृत्य को ही काकसार या करसार नृत्य भी कहते हैं और ये करते कौन है? नारायणपुर में पाए जाने वाली अबूझ माड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ की पहली संगठित नाचा पार्टी रवेली है। संगठित नाचा पार्टी कौन सी है? रवेली है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, जिसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी ने की थी। इन्होंने किया था दाऊ दुलार सिंह, जब इनका नाम को कैसे याद रखेंगे आप? इनको बहुत दुलार था नाचा पार्टी से और अपने दुलार के कारण इन्होंने क्या किया, रवेली पार्टी की स्थापना की। ठीक, रवेली नाचा पार्टी। फिर विश्व की प्रथम नाट्यशाला का गौरव छत्तीसगढ़ को प्राप्त है। विश्व की, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरे विश्व में प्रथम नाट्यशाला का गौरव किसको प्राप्त है? हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त है, याद रखिएगा। दाऊ रामचंद्र देशमुख के दिशा निर्देशन में 1971 में प्रमुख लोक नाट्य चंदैनी गोंदा की प्रस्तुति हुई। चंदैनी गोंदा की प्रस्तुति हुई कौन से सन में हुई? 1971 में। किन के नेतृत्व में हुई? दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। चंदैनी गोंदा की प्रस्तुति किसने की थी? आंसर होगा रामचंद्र देशमुख ने। रामचंद्र देशमुख ने कौन से प्रमुख लोक नाट्य की प्रस्तुति की थी? आंसर होगा चंदैनी गोंदा। कौन से सन में की थी? तो 1971 में। तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल जा रहे हैं और उनको याद करने का तरीका है, ये हो गया गोंदा मिस गेंदा फूल और रामचंद्र मिस राम भगवान में चढ़ता है, तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। ठीक है, फिर हबीब तनवीर राज्य के प्रथम कलापुत्र हैं। हबीब तनवीर कहे हैं राज्य के प्रथम कलापुत्र। प्रथम कलापुत्र कौन है पूछेगा? तो हबीब तनवीर, जिन्होंने 1983 में पद्मश्री एंड 2002 में पद्म विभूषण से सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनको पद्मभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री मिला है 83 में और 2002 में, मीन्स लगभग 19 साल के बाद इनको क्या मिला? पद्म विभूषण भी मिला। ठीक, हबीब तनवीर, नाम याद रखिएगा हबीब तनवीर। फिर प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई को सन 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। तो पंडवानी गायिका जो है बहुत फेमस है, तीजन बाई इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं। ठीक है, तो उनको 87 में मिला पद्मश्री और 2003 में मिला पद्म विभूषण। कला एंड संस्कृति क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले कलाधर्मी पूनाराम विषाद 2005, गोविंद राम निर्मलकर 2009 और भारतीय बंधु 2013 हैं। इनके भी नाम याद रखेंगे, पद्मश्री इन लोग को भी मिला है। किन किन मिला है? पूनाराम, गोविंद राम, तो ये राम वाले नाम याद रखेंगे आप, पूनाराम, गोविंद राम एंड भारतीय बंधु, भारतीय बंधु 2013। सत्यदेव दुबे राज्य के तीसरे व्यक्तित्व व दूसरे कलाधर्मी हैं जिन्हें सन 2011 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तो कलाधर्मी एक कौन थे अपने? तनवीर सिंह थे, हबीब तनवीर थे जो कलापुत्र। दूसरे कलापुत्र कौन हो गए हमारे? कलाधर्मी या कलापुत्र एक ही है, सत्यदेव दुबे, सत्यदेव सत्य बोलने वाले, जिन्हें सन 2011 में पद्म विभूषण से सम्मान से नवाजा गया है। श्रीमती तीजन बाई राज्य की ऐसी प्रथम व्यक्तित्व तो हैं जिन्हें चार विश्वविद्यालयों द्वारा टी लीड की मानक उपाधि प्रदान की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज से उनको डी लीड की मानक उपाधि प्राप्त हुई। डी लीड की कौन से डिग्री की, कौन से स्ट्रीम की मिली है? डी लीड की मिली है। कितने विश्वविद्यालयों से मिली है? चार। किन्हें मिली है? तीजन बाई को। ऐसी कौन से नंबर की व्यक्तित्व है? प्रथम नंबर की व्यक्तित्व है। तो यहाँ से तीन से चार क्वेश्चन निकल गए। तो इतने ही वन लाइनर आज हमारे इस यूनिट थ्री में हमने डाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें लगते हैं उसको हम बनाते हैं, उसको लेकर आते हैं। तो आपको इसको रिवाइज करना है और इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है। बहुत सारे बनेंगे लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे और पढ़ने होंगे। हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को कवर अप करने की कोशिश की है। जैसे ही पूरे आठों यूनिट हो जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लेकर आना चालू करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल में, आइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको और वीडियोस आएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।